गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये है आपका लर्न इंग्लिश का सीरीज नंबर 4, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ में यहां पर ये कॉन्सेप्ट है मूव फ्रॉम बैकवर्ड। ये क्या बात हुई? देखिए, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसकी हेल्प से आप जो है कितने भी बड़े से बड़े सेंटेंस, कैसा भी सेंटेंस, उन सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर जैसे शुरुआत से, जैसा लर्न इंग्लिश सीरीज नंबर 4 से ही ट्रांसलेशन वाली कैपेसिटी आ गई, तो धीरे 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 आपका इंग्लिश के प्रति कॉन्फिडेंस होता जाएगा, और जैसे कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा सेम, देन यू कैन स्टार्ट स्पीकिंग, यू कैन स्टार्ट राइटिंग, यू कैन स्टार्ट कन्वर्सेटिंग टू समवन एल्स। क्लियर है? तो आज का हम लोग का है सब्जेक्ट, देन मूव फ्रॉम बैकवर्ड साइड। बैकवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही समझना होगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट होता क्या है, इसको सिंपल सा याद रखिए, जिसके बारे में बात की जाती है उसी को कहते हैं सब्जेक्ट कहते हैं। जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती हो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। सीधा सीधा याद रखिए, सौ में सीधी बात है ना, सौ में सीधी बात याद रखना, केवल एक बात जिसके बारे में बात की जाती है, आपको जिसके बारे में बात की जाए वही होता है सब्जेक्ट होता है। क्लियर है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले पहचानना है किसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद मूव फ्रॉम बैकवर्ड, इसका मतलब सीधा सीधा अगर मैं लिखूं तो हिंदी में, तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं उल्टा चलो, है ना, उल्टा चलो। अब ये क्या बात हुआ, उल्टा थोड़ी चलेंगे, सेंटेंस में उल्टा चलना है। उल्टा चलने का मतलब पीछे से चलना है ना, उल्टा चलने का मतलब कहां से चलना है, पीछे से चलना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मुझे खाना खाने के लिए मम्मी से कहना चाहिए, है ना। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे खाना खाने के लिए मम्मी से कहना चाहिए, मुझे खाना खाने के लिए मम्मी से कहना चाहिए। अब देखिए, ये इतना लॉन्ग सेंटेंस है, आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले देखिए किसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे खाना खाने के लिए मम्मी से कहना चाहिए, किसके बारे में बात हो रही है, मुझे, मेरे बारे में बात हो रही है। तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी, है ना, मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई होगी। तो यहां पर लिखिए आई। अब पीछे से आपको आना, सिंपली कहां से आना है, आपको पीछे से आना है। अगर पीछे की बात करें तो पीछे कौन है, चाहिए। चाहिए की इंग्लिश क्या होगी, शुड होगी। देखिए, चाहिए की इंग्लिश क्या होगी, शुड होगी, SHOULD, चाहिए की इंग्लिश होती है शुड। तो आई शुड, मुझे चाहिए, कहना चाहिए, तो कहना की इंग्लिश क्या होगी बताइए, से, सिंपल सा है ना, से मीन्स कहना, या आप यहां पर बोल सकते हो स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना, बोलना चाहिए, कहना चाहिए, बात तो एक ही हुआ ना। तो आई शुड से या स्पीक दोनों चल जाएगा। अब किससे कहना चाहिए, मम्मी से कहना चाहिए, है ना, तो टू मदर, मम्मी से कहना चाहिए, टू मदर या टू माई मॉम, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है? टू माई मदर, आप ये भी लिख सकते हो, मुझे अपनी मम्मी से कहना चाहिए। क्लियर है? अब ये हो गया के लिए, देखिए यहां पर क्या है, के लिए। तो के लिए जनरली आप किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं ना, तो हो गया यहां पर फॉर हो गया। अब खाना, देखिए यहां खाने, तो ये जो है एक्चुअली जीरंड के फॉर्म में है, बताएंगे जीरंड क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। तो जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, तो यहां क्या हो जाएगा, ईटिंग हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ईटिंग हो जाएगा। तो फॉर ईटिंग, अब क्या खाने के लिए, तो खाना, तो ईटिंग द फूड, फॉर ईटिंग द फूड, मुझे खाना खाने के लिए मम्मी से कहना चाहिए। तो आई शुड से, आई शुड स्पीक
टू माई मदर और ईटिंग द फूड, इस तरह से आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, अगर छोटे सेंटेंस की बात करें, जैसे मैं कह दूं, देखो तुम्हें पढ़ना चाहिए, भाई पढ़ाया जा रहा है तो पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए। अगर कोई कमी है तुम्हें, आपको कमेंट बॉक्स में भी लिखना चाहिए, है ना। कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, किसी चीज की क्वेरी है तो आपको पूछना चाहिए, कहना चाहिए। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, है ना। जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल छोटा सेंटेंस है। तो जनरली छोटे सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है बड़े सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े सेंटेंस को देखते हैं तो देखते ही दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है, और जब दिमाग की बत्ती गोल हो जाती है तो भाई सेंटेंस की वाट लग जाती है, सेंटेंस भी नहीं बन पाता है, है ना। मैं कह रहा हूं तुम्हें पढ़ना चाहिए, छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें की इंग्लिश क्या हो गई बताइए? तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। तुम्हें की इंग्लिश हो गई यू, फिर कहां से आना? पीछे से आना है। अब बताइए चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? शुड। तो हो गया आपका यू शुड। जनरली चाहिए की इंग्लिश शुड होगी, बाकी इसमें अगर अंदर में जाओगे तो चाहिए की इंग्लिश मस्ट भी होती है, ऑट टू भी होती है, वांट भी होती है, नीड भी कभी कभी होती है। तो ठीक है, वो सब अलग है, लेकिन अभी नॉर्मली बात किया जा रहा है, क्योंकि सीरीज नंबर 4 है, तो बहुत ज्यादा अभी मैंने कुछ समझाया भी नहीं कि सब्जेक्ट, केवल इतना ही तो बताया गया जिसके बारे में बात की जाती है। अब ये मैं मानकर चल रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आता है, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आती। अगर आपको बिल्कुल एबीसीडी भी नहीं आती तो ये सीरीज आपके लिए नहीं है, है ना। तो देखिए यू शुड और पढ़ना, अब पढ़ना की इंग्लिश हो जाएगी स्टडी, तो क्या हो जाएगा? यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, सिंपल सा है। यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्लियर है, इस तरह से आपको यूज करना है। चलो अब जैसे मैं यहीं पर कह दूं, सचिन जो है ना क्रिकेट खेल सकता है, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, सचिन क्रिकेट खेल सकता है। अब यहां पर फिर एक नया आ गया, बात हो रही सचिन की। अच्छा मैंने लिख दिया सचिन को, ठीक है सचिन जी यहां पर आ गए। अब सकता है, तो जनरली सकता है के लिए जब एबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो, जब कैपेसिटी या एबिलिटी की बात हो, तब वहां पर कैन का यूज किया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा? सचिन कैन, और खेलना की इंग्लिश हो जाएगी प्ले। तो सचिन कैन प्ले, और क्या खेल सकता है? क्रिकेट। तो सचिन कैन प्ले द क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, सचिन कैन प्ले द क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल सकता है। इतना समझ में आया? अच्छा यहां पर आपको कुछ याद रखना होगा, याद क्या रखना होगा, बेसिक है वैसे आप लोग को पता होगा, है ना। जैसे मुझे की इंग्लिश क्या होती है? आई होती है। आप लोग को पता है कि नहीं? ये तो पता ही होगा ना कि मुझे की इंग्लिश होती है आई। तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है बताइए? तुम्हें की इंग्लिश होती है, तुम्हें की इंग्लिश होती है यू होती है। और ये थोड़ा अगर रेस्पेक्ट शो करना हो तो बोला जाता है आपको, तो आपको की भी इंग्लिश यही होगी, यू ही होगी, है ना। उन्हें, उन्हें की इंग्लिश होती है दे, उन्हें की इंग्लिश होती है दे। और हमें, हमें बात करें तो हमें की इंग्लिश होती है बी, है ना। हमें की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है, ठीक है। अगर इसके साथ में बात करूं उसे, तो देखो उसे दो होता है, अगर मेल है तो ही कर दो, अगर फीमेल है तो सी कर दो। मींस ही का यूज मेल के लिए होगा और सी का यूज किसके लिए होगा? फीमेल के लिए होगा। तो उसे की इंग्लिश दो हो गई, क्लियर है। एक तो आपको ये चीज याद रहना चाहिए भाई, सिंपल सा, वैसे याद रहता है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, है ना। अच्छा ये तो पता होगा, ये तो बिल्कुल, अगर ये नहीं पता तब तो भाई पंगा ही है। मैं की इंग्लिश होती आई, वह की इंग्लिश दो होती है, मेल है तो ही नहीं तो सी, क्लियर है। और बताइए हम की इंग्लिश क्या होती है? बी। हम की इंग्लिश क्या होती है? बी होती है। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है, ठीक है। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे होती है। और क्या बचा भाई? तुम, हाँ तुम या आप, तुम या आप की इंग्लिश क्या होती है? तो यू होती है। तुम या आप की इंग्लिश क्या होगी? यू होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये आप क्यों बता रहे? इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब आप इस तरह के सेंटेंसेस को बनाओगे, चाहिए या सकता है पर, तो आपको इन्हीं दो चीज की नीड होगी भाई, वह जा सकता है, अच्छा लड़का है तो ही कैन गो। यहां पर एक चीज की और नीड होगी,
पता है वो है बेसिक वर्ब की, जैसे जाना की इंग्लिश गो, आना की इंग्लिश कम, उठना की इंग्लिश गेट अप, जागना की इंग्लिश वेक अप, पीना की इंग्लिश ड्रिंक, झांकना की इंग्लिश पीप, है ना, रोना की इंग्लिश क्राई, चिल्लाना की इंग्लिश जो है शाउट हो जाएगा आपको। इस तरह से बेसिक मीनिंग की जरूरत होगी। आई होप बेसिक वर्ड मीनिंग तो इतना तो बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, रीड मीन्स पढ़ना, टीच मीन्स पढ़ाना, लर्न मीन्स याद करना, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हैं। ये आई होप सबको क्लियर होगा। अगर आपका बेसिक एकदम बहुत बेस वीक होगा तब तो क्लियर होगा, बेस थोड़ा सा स्ट्रांग है वो स्ट्रांग होगा तब तो भाई कोई पंगा ही नहीं है, सब क्लियर ही होगा आपको, है ना। इस तरह से चलिए अब मैं कुछ सेंटेंस पूछूंगा और आपको बताना है, क्लियर, आपको बताना है, आप जहां से भी देख रहे हो वहीं पर ऐसे बोलना है। जैसे मैं कहूं तुम बोल सकते हो, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक, तुम बोल सकते हो यू कैन स्पीक। हम कहें हमें नहाना चाहिए, तो हमें नहाना चाहिए तो क्या हो जाएगा, बी शुड टेक बाथ, है ना, बी शुड टेक बाथ, क्योंकि हमें की इंग्लिश क्या होगी, बी होगी ना, तो बी शुड टेक बाथ। मैं कह दूं मुझे नाचना चाहिए तो आई शुड डांस, मुझे नाचना चाहिए आई शुड डांस, मैं नाच सकता हूं आई कैन डांस, सचिन खेल सकता है सचिन कैन प्ले, उसे खेलना चाहिए ही शुड प्ले, मुझे रोना चाहिए आई शुड क्राई, तुम्हें याद करना चाहिए यू शुड लर्न। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है और बोलना है ना, और एक कॉपी में लिखना है, देखो आप कितने सेंटेंस बना सकते हो, कितने सेंटेंस सोच सकते हो, है ना। चलो अब कुछ बड़े सेंटेंस एक दो प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैं कहूं आकाश को आकाश के घर पर, है ना, आकाश को आकाश के घर नहीं छत पर मान लेते हैं, आकाश को आकाश के छत पर पतंग उड़ाना चाहिए, तो आकाश शुड फ्लाई द काइट ऑन द रूफ ऑफ आकाश, और अगर आकाश में तो इन द स्काई कर दो, नहीं तो मत करो, क्लियर है। जैसे मैं कहूं उसे एक मोबाइल खरीदने के लिए बाजार जाना चाहिए, तो ही शुड गो टू मार्केट फॉर बाइंग फॉर परचेजिंग अ मोबाइल, बस सिंपल सा, क्लियर। इस तरह से आपको बनाना है, क्लियर। आप कोई भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस, छोटा से छोटा सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस मूव फ्रॉम बैकवर्ड साइड, मीन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में पीछे से एक एक करके लिखते चले आना है। अब आप यहाँ पर फंसोगे, फंसना जरूरी है, क्यों फंसना जरूरी है भाई, जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक आप मीनिंग नहीं याद करोगे, क्योंकि नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, आवश्यकता या आविष्कार की जननी है। तो आपको ऐसे ढेर सारे सेंटेंस बनाना है, ये नहीं सोचना किसकी मीनिंग आती है किसकी मीनिंग नहीं आती है, शुरुआत में आपको हिंदी लिखना है, बाद में उसको इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट करना है। तो जब आप हिंदी लिख लोगे तो उसमें आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग की जरूरत होगी, तो वर्ड मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में कर दोगे, मैं बता दूंगा, या आप सर्च कर सकते हो फोन में डिक्शनरी में, कई ऑप्शंस हैं, दोस्तों के साथ टीचर से पूछ भी सकते हो। तो जैसे जैसे वर्ड मीनिंग की जरूरत लगेगी वैसे वैसे आप वर्ड मीनिंग तैयार करते जाओगे, इससे आपका वर्ड पावर स्ट्रांग होता जाएगा। और दूसरा नंबर, इस जो सीरीज वाइज जब आप देखते चलोगे तो आपका इंग्लिश के प्रति कॉन्फिडेंस आता जाएगा, और इतना कॉन्फिडेंस एक समय की बात आ जाएगा कि आप जो है बोल सकते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो, इंग्लिश में लिख सकोगे और इंग्लिश में कन्वर्सेट भी कर सकोगे, हर चीज आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो भाई एक रिक्वेस्ट है, अपने फ्रेंड सर्कल में खासकर उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देना जिनको एक्चुअल में इनको जरूरत है, क्लियर है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमी है, कोई भी अच्छाई है, जो कुछ भी आपको फीडबैक में देना हो आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, इससे मुझे थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू टुमारो एंड टेक केयर यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।